सिवान में अपराधी गोली मारकर फरार हो गए, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र के हरदिया बाजार पर एक व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। ये व्यक्ति कहीं जा रहे थे, तभी उनकी नजर अपराधियों पर पड़ी। अपराधी किसी व्यक्ति के साथ लूटपाट कर रहे थे, यह व्यक्ति बीच बचाव करने के लिए गए, तभी अपराधियों ने इनको ही निशाना बना लिया और गोली मारकर बिल्कुल आसानी से फरार हो गए। व्यक्ति की पहचान बता दें कि मनोज सिंह के रूप में हुई है, गोली हाथ में लगा हुआ है। अपराधी किसी व्यक्ति से लूटपाट कर रहे थे, तभी इस व्यक्ति ने उसका विरोध किया। उसके बाद बाइक सवार अपराधियों ने मनोज सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों द्वारा घायल व्यक्ति को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार समाज सेवी श्रीनिवास यादव घायल व्यक्ति का इलाज करवाने में जुटे हुए हैं। अपराधियों का इस कदर मनोबल बढ़ा हुआ है कि दिन के उजाले में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब रात के अंधेरों में भी अपराधी बिना डरे पुलिस को चुनौती देते हुए गोली मारकर बिल्कुल आसानी से भाग जा रहे हैं और उन लोगों को पकड़ने में पुलिस असफल दिख रही है। सिवान में 140 की रफ्तार से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। अगर पुलिस समय रहते हुए इन अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पाती है तो अपराधी का हौसला लगातार बढ़ता ही जाएगा और ऐसे ही वारदात को अंजाम देकर भाग जाएंगे। इस मामले में गनीमत तो ये रही कि व्यक्ति बाल बाल बच गए हैं और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पचरुखी थाना प्रभारी ददन सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। आपको बताते चले कि लगातार आपराधिक अपने तांडव दिखा रहे हैं और पुलिस अपराधी के पास नहीं पहुंच पा रही है। दिन हो या रात, आसानी से अपराधी अपना कारनामा दिखाकर रफू चक्कर हो जा रहे हैं।